watch amazing videos, subscribe to our YouTube channel, and click on the bell icon to never miss an update from Unsung Beasts. साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखते हैं, लेकिन उससे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। मैं एक प्रोफेशनल पैरा टाइकोंडो एथलीट हूँ। मैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव दिनोद में पली बड़ी हूँ। सुनने में शायद अजीब लगे, पर बचपन से ही मुझे फाइटिंग का शौक था, और इसलिए जब मेरे गाँव के स्कूल में कुछ लोग टाइकोंडो सिखाने आए, तब मैंने ये स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया। स्कूल में सीखना शुरू करने के बाद मैंने भिवानी में प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन कर ली और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं जनरल टाइकोंडो खेलती थी नॉर्मल एथलीट्स के साथ। मैंने अपनी पहली डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भिवानी में खेली और मैं गोल्ड मेडल जीती। मैंने कई नेशनल्स भी खेले, पर फिर एक लेवल के बाद मेरी ग्रोथ रुक गई थी। 2017 में मेरे एक सीनियर ने मुझे पैरा टाइकोंडो के बारे में बताया। मैंने पैरा टाइकोंडो के स्टेट स्टाइल दिए, जहां मेरा गोल्ड मेडल लगा और मेरा सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हो गया। फिर मैंने नेशनल्स में भी गोल्ड जीत के एशियन चैंपियनशिप में अपनी जगह बना ली। हमने हमेशा लोगों से सुना है कि डिसेबल लोग आगे नहीं बढ़ सकते, पर अब मैं उनकी सोच को बदलने वाली थी। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे कई मेडल्स जीते हैं, और इस सब में हमेशा से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। उन दोनों में से कोई एक हमेशा मेरे साथ मेरे चैंपियनशिप में जाया करता था। उनके सपोर्ट के बिना आज मैं जहां हूं वहां कभी नहीं पहुंच पाती। मेरा ये मानना है कि इंसान अपने शरीर से नहीं, अपनी सोच से डिसेबल्ड होता है। हमें बस हार्डवर्क करते रहना है और अपने ड्रीम्स पे फोकस रखना है। मंजिल अपने आप मिल जाएगी। Today I'm ranked number 1 in India and number 4 in the world in para taekwondo in under 49 K43 world category. I'm India's first athlete who won the bronze medal in the world championship and created history. Our Tell Us Your Story campaign is on. Agar aap ek beast hain to description mein diye gaye form ko bhariye. Bataiye hame apni kahani aur hum pahunchayenge use duniya tak.